स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्या स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन, और आज की ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक मैसेज देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है, ठीक है? सभी इस वीडियो को ज़रूर देखना। और CBSE क्लास 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, हम सभी को पता है, और इसी के ऊपर आज मैं आपको एक मैसेज देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, और उनमें से कुछ मैसेजेस का जो मतलब जो स्क्रीनशॉट था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें ये लिखा हुआ है एक स्टूडेंट ने कि सर ऐसा थोड़ी ना होता है, और कितना पोस्टपोन करेंगे ये लोग, ऐसे तो हमारा भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। आई एम नॉट एग्री दिस डिसीजन सर, प्लीज मोटिवेट मी फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जाम। दूसरी तरफ एक अलग स्टूडेंट का मैसेज आया, इस लड़की का। इसने लिखा सर जी अब मैं पढ़ूंगी ही नहीं, सर जी पूरे साल पागलों की तरह पढ़ाई की, इतने पेपर दिए, पेपर सॉल्व कर लिए, पूरा प्रिपेयर कर लिया, अपने आप को फिर भी कैंसिल कर दिया इन्होंने। अब सर वो सब 1 जून तक पढ़ते रहे, हमारा पूरा साल बर्बाद कर रहा है। सर जी 3 मंथ तक भी तो स्कूल ओपन हुए थे, पूरे साल इतना हार्ड वर्क किया, अब जून में कर दिए, सर मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है। ये सिर्फ ये दो बच्चे नहीं है, ऐसे हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हैं जो परेशान हैं इस टाइम पे। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत खुश हैं, जो पूरे साल नहीं पढ़ पाए थे। तो मतलब यहाँ पे मेरा मैसेज आपके लिए ये है, सबसे पहले जो भी बच्चा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, अगर खुद को कोस रहा है कि मैंने इतनी मेहनत क्यों करी और एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गए फिर से, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। आप सभी का ये जो डाउट है ये मैं क्लियर कर दूंगा, और आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उससे पहले कुछ बातों पे हमें डिस्कस करनी है। आप सभी को पता है कि इंडिया के अंदर कोरोना के केसेस किस तरीके से मतलब बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? डेली कितना हाइक पे जा रहा है कोरोना, मतलब आप समझ सकते हो कि लाख केस डेली के आ रहे हैं, 1 लाख से भी ऊपर केस डेली के आ रहे हैं, लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, लोगों की मौत हो रही है इतनी ज्यादा, 80-80 लोग दिन में, एक दिन में मर रहे हैं दिल्ली के अंदर, 90-100 ऐसे लोग मर रहे हैं। ऐसे में अगर आप खुद सोचो, आपका अगर एग्जाम होता, ठीक है, अगर एग्जाम तय डेट्स पे होता, तो इतनी कोरोना की पीक पे आप कभी तो किसी ना किसी के कांटेक्ट में आ ही जाते। आप फिर अपने घर पे भी जाते, आपके माँ बाप हैं, बूढ़े दादा दादी जी होंगे, उनके कांटेक्ट में जाते, उनकी लाइफ को कितना खतरा होता, आपकी लाइफ को भी खतरा हो सकता था। ये जो कोरोना वायरस है, इसने मतलब आप ये समझ लो पूरे देश की ऐसी तैसी करके रख दी है। मतलब बच्चे इतना ज्यादा पूरे साल से पढ़ते हैं, ठीक है, मार्च में एग्जाम हुआ करते थे, वो पोस्टपोन कराया कोरोना ने, फिर यहाँ पे अपनी ऐसी तैसी करा ली कोरोना ने, ठीक है। बहुत ज्यादा मतलब मेरे अंदर गुस्सा भरा पड़ा है इस टाइम पे कोरोना को लेकर, और सभी के मन में भरा पड़ा होगा कि जो पूरे साल की मेहनत है, हम भी आपके साथ मेहनत करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ते हो, हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, हमारी भी सेम मेहनत है, इक्वल मेहनत है, और हमारा भी उतना ही मूड खराब हो रहा है जितना इस टाइम पे आपका मूड खराब हो रहा है, कि जो बच्चे इस टाइम पे स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है। तो ये सच्चाई है, कोरोना वायरस सच में बहुत ज्यादा जानलेवा हुआ पड़ा है इस टाइम पे, ठीक है। और दिल्ली में टेस्टिंग भी ज्यादा हो रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की हमें खबरें भी पता चल रही हैं। बहुत लोग कहते हैं कि चुनावी रैली हो रही है, वहां कोरोना नहीं है, यहाँ कोरोना नहीं है, वहां कोरोना नहीं है, कोरोना हर जगह है, सारी बात टेस्टिंग की होती है। जहाँ टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, जहाँ के डाटा न्यूज पे आ रहा है, ठीक है, जहाँ का वो हमें स्टेट्स दिख रहे हैं, दिल्ली है, महाराष्ट्र है, टेस्टिंग बहुत ज्यादा दबा के टेस्टिंग हो रही है दिल्ली में, उसका डाटा हमें दिख रहा है, तभी हमें यहाँ पे कोरोना बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाकी स्टेट्स में टेस्टिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है, जितनी दिल्ली में होती है, इसलिए हमें वहाँ के डाटा नहीं दिख पाता हमें वहाँ का, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि डाटा यहाँ का डेली का चौंका देने वाला है, क्योंकि टेस्टिंग ज्यादा है और कोरोना बहुत ज्यादा इस टाइम पे तबाही मचा के बैठा हुआ है। इसमें मेरा जो आपके लिए संदेश है, सबसे पहले तो इन बातों को नोट कर लेना, ये आप सभी को पता होगा, हाथ को धोते रहना, ठीक है, और सैनिटाइजर अपने पास रखना, कहीं बाहर आना जाना पड़े तो आपको, ठीक है, किसी भी काम के लिए दूरी बिल्कुल बना के रखना, और इस टाइम पे ये बहुत जरूरी हो गया है। पिछले साल का जो कोरोना था ये उससे 4 गुना खतरनाक है। पिछले साल आपने कुछ किया हो या ना किया हो, इस बार ये कोरोना वायरस जो है वो पिछले साल की तुलना में बहुत ज्यादा, ये वाला जो स्ट्रेन है बहुत ज्यादा खतरनाक है। और घर से बाहर तभी निकलना जब जरूरी हो, एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, घर में रहो, जितना हो सके घर में रहो, हैंड शेक्स और हाथ मिलाना, साथ घूमना फिरना बंद कर देना कुछ टाइम के लिए, जब तक कोरोना वापस से थोड़ा उसका पीक जो है वो थोड़ी कम ना हो जाए। तो ये कुछ बातें हैं। अब आपके लिए जो मेरा मैसेज था वो ये है, डोंट गिव अप, हार नहीं माननी है। और हार क्यों नहीं माननी, क्योंकि ये गोल्डन चांस है बच्चों के लिए।
अगर किसी ने पूरे साल मेहनत नहीं करी हुई थी, पढ़ा नहीं हुआ था, उसके लिए चांस है कि वो अब पढ़ सकता है, ठीक है। अब उसके उसको थोड़ा टाइम मिल गया है, वो पढ़ सकता है और वो भी टॉपर बन सकता है और नंबर ला सकता है। तीसरी चीज यही है कि भाई पूरे साल अगर किसी रीजन से कोई ना पढ़ पाया हो, किसी के घर प्रॉब्लम रही हो, उसे अब मौका मिल गया है कि वो पढ़ सकता है। सोचो कितने और स्टूडेंट्स होंगे जिनके घर में से कोई कोरोना पॉजिटिव होगा, हॉस्पिटल में होगा, उनको डेली जाना पड़ता होगा, उनकी पढ़ाई की ऐसी तैसी हो रही होगी, और इस टाइम पे अगर पेपर के लिए बुला लेते तो अगर कोई बच्चा हॉस्पिटल में है वो कैसे पेपर देने जाता। तो ये भी एक रीजन था। तो किसी भी रीजन से अगर कोई पूरे साल नहीं पढ़ पाया, उसको अब मौका मिल गया है। और एक चीज, अगर जो बच्चा इस टाइम पे ये न्यूज को पढ़ के इग्नोर कर देगा कि अब मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, कि अब तो मेरी मेहनत खराब हो गई है, मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अब तो क्या ही पढ़ाई करूं, भाई मैं क्लियर बता रहा हूँ, जब अचानक से एग्जाम हो गए तो खुद को कोसोगे कि पढ़ाई क्यों नहीं की, क्योंकि अभी आप ये समझ लो कोरोना पीक पे है। थोड़ा सा भी इसका पीक नीचे गई, जुलाई, मैं आपको बता रहा हूँ, जुलाई नहीं, जून, 1 जून को जो है दोबारा से सिचुएशंस देखी जाएंगी। अगर 1 जून को लगता है कि सिचुएशन सही है, आप ये समझ लो 15 जून से पेपर स्टार्ट है आपके। अगर सिचुएशन सही दिखती है, केस कम होते दिखते हैं, तो तैयार रहना, बेल्ट बांध के रखना, एकदम से न्यूज को देख के अपनी बेल्ट मत खोल देना जो तुमने पूरे साल बांधी रखी हुई है, ठीक है। जो एक सबर जो तुमने रखा हुआ है, और जो पढ़ाई और जो तुम्हारी मेहनत है, पूरे साल जो तुमने अपने आप को तैयार कर रखा है उस एग्जाम के लिए, अपने को और घिसो और ज्यादा। मतलब आपने एक चीज सुनी होगी, सोने को जितना तपाते हैं उतना ज्यादा वो मतलब कीमती होता है। तो आप अपने आप को सोना समझो, ठीक है। आप मतलब ये मत समझना कि हमारे साथ बुरा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा, आपकी जान बचाई गई है इस टाइम पे, ठीक है। जान से ऊपर कुछ नहीं है, और कोरोना ने करवाई है सबकी ऐसी तैसी, वो हम खुलेआम कह रहे हैं, क्योंकि कितने स्टूडेंट्स का इस टाइम पे जो है मतलब मूड खराब हो गया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल भी मतलब इग्नोर मत करना, हम जैसे पढ़ा रहे थे आपको, डेली पढ़ाते रहेंगे, उसी तरीके से पढ़ाएंगे, और आपको भी उसी तरीके से पढ़ना है बिल्कुल। अब इधर उधर की न्यूज़ पे ध्यान मत देना, पूरा फोकस पढ़ाई पे रखना। 36 लोग आपको डेली भड़का रहे थे, कैंसिल हो जाएंगे, पोस्टपोन हो जाएंगे, ऑनलाइन हो जाएंगे, अब सारा आपके सामने नजारा क्लियर आ चुका है, बोर्ड एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं, जून में हो सकते हैं अगर सिचुएशन सही रहती है, ठीक है। तो वही 1 महीना है आपको, कोई 4-5 महीने तक पोस्टपोन नहीं कर दिए गए हैं, 1 महीने में अगर कंडीशन सही हो जाती है तो बुला लेंगे वापस, ठीक है। ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, अपने रिजल्ट का या अपने रिजल्ट के आप सभी खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। अगर रिजल्ट खराब करते हो, इग्नोर कर दोगे, नहीं पढ़ोगे, तो क्या होगा, रिजल्ट आप अपना खराब करोगे और किसी का नहीं खराब करोगे। तो जिम्मेदारी आपकी है कि आप भाई डिप्रेस्ड होके कोने में बैठ जाओगे कि मैंने मेहनत करी थी अब मैं पढ़ूंगा नहीं, तो भाई डिप्रेशन से क्या होता है। अगर आपको थोड़ा टाइम और मिल गया है तो आप मतलब हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं बैठा हूँ आपको पढ़ाने के लिए यहाँ पे, मैं थोड़ी कहीं जा रहा हूँ कि अगर पोस्टपोन हो गए तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, डेली मैं आ रहा हूँ आपको पढ़ाने, सत्येंद्र सर पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है जैसे हम पढ़ रहे थे अभी तक पूरे साल, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम और मिल गया, हम कोशिश करेंगे आपको नई नई चीजें और लाएंगे आपके लिए, ठीक है। रामबाण सीरीज एक सब्जेक्ट की आ रही है, हम बाकी सब्जेक्टों की भी रामबाण सीरीज लाएंगे, हम और भी मतलब जो ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डाउट होते हो आप कमेंट में बताना, हम उनको भी लेंगे। तो डेली हमारा वही इंटरेक्शन चलता रहेगा जो अभी तक चलता आ रहा था। और अगर आप इग्नोर करते हो पढ़ाई को, तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होगे और कोई भी नहीं होगा। आपको कोई मतलब यहाँ पे जोर जबरदस्ती करने नहीं आएगा कि आपको पढ़ाई करनी है, आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। मैं सिंपल सा मैसेज एक ही दे रहा हूँ सभी बच्चों को, जिसने भी मुझे इंस्टाग्राम पे ये कहा था कि सर अब हम पढ़ेंगे नहीं और ये नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो अपना नुकसान करोगे, पढ़ाई को जारी रखो। कोई 10 महीने के लिए पोस्टपोन नहीं हुए, 1 महीना कुछ भी नहीं होता, इतने में कोई सैंपल पेपर सोल्व कर लो, ठीक है, 10-12 उठा लो, उसे सोल्व कर लो हर सब्जेक्ट का, तुम्हारा महीना यूं ही गुजर जाएगा, भगवान की दुआ से सब सही रहा तो कोरोना कम हो जाएगा, तो आपके एग्जाम वापस होने लग जाएंगे, ठीक है। तो जिम्मेदार आप सब होगे और हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही डेली पढ़ाते रहेंगे, हमारी जो स्पिरिट पूरे साल रहती है वही आगे कायम रहेगी, बिल्कुल भी हम नीचे मतलब नहीं रहने वाले कि हम अब रुक जाएंगे या कुछ हो जाएगा ऐसा। हमारी वीडियोस डेली आएंगी जैसे आती थी, आपको डेली पढ़ना है जैसे पढ़ते थे, नहीं पढ़ोगे तो आप अपना नुकसान करने वाले हो, मैं आपको बता रहा हूँ। 1 महीने का टाइम है सिर्फ, ये जो मतलब हुआ है, 1 महीने में कंडीशन सुधर जाती है तो वापिस आपके एग्जाम उसी तरीके से होंगे जैसे होते थे। तो मतलब यही बात है, आपका सेशन ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबा खिंच चुका है, और मतलब ये बहुत ज्यादा एक तरीके से नुकसान हुआ है अभी तक आपका जितना भी हुआ है, ठीक है। लेकिन आगे के लिए हम कुछ पॉजिटिव ही सोच सकते, मतलब जो बच्चे अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाया जो कह रहे थे कि सर अब हम पढ़ना छोड़ देंगे, ये है वो है, तो आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप प्लीज ऐसा मत करिए, मैं हूँ आपके साथ में, आपको पढ़ना है और जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको मैं, ठीक है। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, हमारा चैनल आपके साथ है,
ठीक है, कहीं हम जा नहीं रहे हैं, तो पोस्टपोन ही हुआ है सिर्फ और कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम इसको करते रहेंगे कंटिन्यू। असली दिक्कत तो 10th क्लास वालों को होगी जिनके एग्जाम ही कैंसिल हो गए हैं। आपके साथ फिर भी ऐसा नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम मिल गया है तो इसको यूटिलाइज करो, अच्छी जगह लगाओ, ताकि आप अभी तक अगर नहीं पढ़े थे तो अब आप पढ़ पाओ और अच्छे नंबर ला पाओ। बाकी जो मैंने आपको कुछ नॉर्म्स बताए थे, कुछ प्रोटोकॉल्स बताए थे कि भाई दूर दूर रहना, ये बात सच है। ये शायद आपको सुनने में बोरिंग लग रही हो कि ये तो हम डेली कॉलर ट्यून पे भी सुनते हैं, तो मतलब ये सच बात है भाई, थोड़ी दूरी बना के रखना सभी से। इस टाइम पे जो कोरोना चल रहा है वो 4 गुना खतरनाक है। अगर पिछले साल आपको कोरोना नहीं हुआ था, तो अगर इस बारी अगर आप चपेट में आ जाओगे बहुत जल्दी, अगर कुछ भी फॉलो नहीं करोगे, पिछले साल वाला फिर भी इतना ज्यादा भारी नहीं था उसका जो प्रकोप था, इस बार का इतना ज्यादा खतरनाक कोरोना है, जिसको नहीं हुआ था उसे भी हो रहा है। ठीक है, तो अपने आप को सेफ रखना और वीडियोस देखते रहना, डेली हम आएंगे आपके साथ और आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे, रामबाण सीरीज हमारी जारी रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा जो यूजर नेम है आपके सामने है। मैं लास्ट में भी यही कहूंगा, डिमोटिवेट नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, हम आपके साथ हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।